हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन आई एम अमित और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेनपैक्ट में जो जॉब अवेलेबल हैं फ्रेशर्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं और ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अवेलेबल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे किस तरह से आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं इनकी जॉब्स के लिए एंड क्या क्राइटेरिया रहेगा सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शुरुआत करूंगा जेनपेक्ट को लेकर जेनपेक्ट जो कंपनी है वो हमारे देश में काफी लंबे समय से काम कर रही है एक हंड्रेड ट्रस्टेड कंपनी है और रेनाउंड कंपनी है और काफी सालों से ये इंडिया में कई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रही है ये ना केवल आ... कैंपस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती, मतलब करती है मतलब कॉलेजेस में जाकर रिक्रूटमेंट्स करती है बल्कि जॉब फेयर्स में भी ये कंपनी काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट्स करती है और अलग से वॉक इन्स हो या फिर यू नो जॉब साइट्स हो हर जगह आपको उसकी जॉब्स देखने मिलती हैं सो so, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहती हैं और इसीलिए जॉब्स के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो जेनपेक्ट को लेकर आज हम जानेंगे कि किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और किस तरह से किस कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कई लोग यहाँ पर इन कंपनीज के बारे में जो कि बहुत ज्यादा नाम जिनके कई लोगों ने नहीं सुने होते वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस तरह की जॉब जो ज्यादा प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उनको आप मिस कर देते हैं सो so, मैं आगे कोशिश करूंगा कि इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग और जो हिडन कंपनीज हैं उनको लेकर आप लोगों को बताऊं जिससे कि आप उनमें ट्राई करके अपने जॉब्स के चांसेस को ज्यादा ब्राइट कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और हेल्प हो सके आपकी कुछ तो आप अगर इस इनकेस नए हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन बेल बटन के साथ ऑन कीजिएगा इसलिए बिकॉज आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे okay? अब हम कंटिन्यू करेंगे Zenpact की की वैकेंसीज के बारे में किस किस तरह तरह से आप जॉब्स अवेलेबल हैं और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैनपैक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बता दिया नाइनटीन 19, नाइनटीन uh, से लगभग ये कंपनी चल रही है और न्यूयॉर्क लंडन इंडिया में इसके ऑफिस और जैसा मैंने आपको बाकी चीजों की डिटेल दे ही दी है तो ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम बात करते हैं जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है और किस तरह की जॉब्स हैं तो सबसे पहले मैं आपको जॉब्स यहाँ पर कुछ दिखाऊंगा कि किस कैटेगरी में जॉब अवेलेबल हैं और किस तरह से आप अप्लाई करोगे क्योंकि हर कोई यहाँ पर सही तरीके से जॉब एप्लीकेशन पेज पर नहीं पहुंच पाता है उसके प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो वो आप मेरे साथ देखें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ जॉब्स आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूं जो जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, अगर हम वैसे तो बहुत सारी जॉब्स हैं यहां लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएट लेवल तक की जॉब्स को देखूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और वो ग्रेजुएट हैं अगर आप तो आप यहां पर जो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं वो है प्रोसेस एसोसिएट की जॉब इस जॉब प्रोफाइल के साथ में यह कंपनी बहुत सी जॉब्स को निकालती है और अलग अलग कैटेगरी में लोगों को रिक्रूट करती है अलग अलग कैटेगरी का मतलब यह है कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन कस्टमर सर्विस या फिर इसी तरह की और भी कई कैटेगरीज में ये जॉब्स देती है प्रोसेस एसोसिएट जो है इसकी मेन प्रोफाइल का नाम होता है जॉब का यू नो टाइटल हो सकता है पोस्ट कह सकते हो आप इसे लेकिन अलग अलग कैटेगरी में जॉब देती है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई करूं और कैसे करूं यह बहुत इंपॉर्टेंट है कई लोग इसको मिस करते हैं तो वीडियो एंड तक देखना यह जरूरी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोसेस एसोसिएट की एक जॉब आपके सामने यहां पर शो कर रहा हूं ये आप देख सकते हो और लेटेस्ट जॉब पोस्टिंग है और यहां पर इस जॉब में कहीं भी यहां आप देखोगे प्रोसेस एसोसिएट लिखा हुआ है लेकिन आगे कोई आ, टाइटल नहीं दिया गया है कोई सेक्टर नहीं बताया गया है सेक्टर क्या मतलब है आप देखोगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मिनिमम इनको ग्रेजुएशन इन एन एनी स्ट्रीम बट एक्सेप्ट टेक्निकल ग्रेजुएशन इन लॉ तो इनको टेक्निकल ग्रेजुएशन जिनने कर रखा है या लॉ की फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा है उन लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी इसके अलावा बी वगैरह जितनी भी अलग अलग ग्रेजुएशन होती है ढेर सारी आप कोई भी ग्रेजुएट है, को तो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि किस सेक्टर के लिए यह है राइट तो कोई भी ग्रेजुएट यहां पर अप्लाई कर सकता है इन दोनों फील्ड को छोड़ के राइट अब यहां पर काम आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखेंगे तो यहां पर तो यहाँ पर पॉसिबल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप देखते हैं तो आपको बहुत सी चीजें समझ में ना आए कि ये क्या काम हमसे करवाने वाले हैं तो उसको लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी ग्रेजुएशन रखते हैं और मैंने आपको कहा कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है काम ये आपको सब समझा देते हैं सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है एक बार अगर आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाता है सो तो

जिससे कि हम उन्हें ट्रेन कर सके और आगे अपने काम करवा सके सो so, ये यहाँ पर मेन है और बहुत मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट काफी सालों से कर रही है ये कंपनी और लगातार यहाँ पर जॉब्स रहती हैं तो ये मैंने एक, आपको इसलिए बताया एक कि कोई भी ग्रेजुएशन वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है इस प्रोसेस एसोसिएट की जॉब के लिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ खास चीजें और बताऊंगा कुछ सेक्टर वाइज जॉब भी रहती हैं जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस एसोसिएट अकाउंट्स uh, पेबल अब ये अकाउंट्स से रिलेटेड जॉब है अब तो अकाउंटिंग से रिलेटेड तो यहां पर डेफिनेट सी बात है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब है तो आपको कोई ना कोई ऐसी डिग्री चाहिए जिसमें अकाउंट्स वगैरह आपको आता हो तो यहां पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन में बी दिया हुआ है तो बीकॉम वालों के लिए ये जॉब अवेलेबल है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बाकी डिटेलिंग दे रखी है यहाँ पर थोड़ा आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश ठीक होनी चाहिए आपकी और ये कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर प्रोसेस एसोसिएट के कहेंगे अगर ये टाइटल आप चेक कर लेंगे तो शायद आप अपनी मतलब की जॉब सीधे अप्लाई कर पाएंगे जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और यहाँ पर अगर मैं पैकेजेस की बात करूँ या वर्क एनवायरमेंट की बात करूं तो बेस्ट है पैकेजेस अच्छे खासे मिलते हैं मल्टी कंपनी है तो आपको एक फुल टाइम जॉब होगी ये ओके तो बात समझ में आ गई ऐसे ही प्रोसेस एसोसिएट की मैं और जॉब दिखाता हूं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर बैंकिंग में तो आप देख सकते हो यहां पर बैंकिंग लिखा हुआ है लिखा हुआ या इसी की कोई डिग्री जहां पर आपको थोड़ा बहुत बैंकिंग का यू नो नॉलेज हो फाइनेंशियल चीजों का तो इस टाइप के लोग इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैंने हर टाइप की जॉब दिखा रहा कि एक ऐसी जॉब जो कि सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं एक बीकॉम वाले कर सकते हैं और भी कई कैटेगरीज हैं मैं, आ, करीबन तीन हजार से ज्यादा ऊपर जॉब है और आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में है जैसे कस्टमर सर्विस में ये जॉब है तो आ, ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर आप इसके लिए भी ग्रेजुएट मांगे हैं इन्होंने और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह की आ, मैं आपको जरा शो करता हूँ कि कितनी सारी जॉब्स हैं अब अगर आप देखोगे यहां पर तो आई शो यू जस्ट के आपको ये हो जाए देखिए अगर आप यहाँ पर प्रोसेस एसोसिएट की जॉब देखोगे इंडिया में तो ढेर सारी जॉब्स हैं ठीक है ठीके? अब आप मैं आपको सारी नहीं दिखा सकता आप देख सकते हो यहां पर लिस्ट कितनी आ रही है तीन जॉब्स हैं और आप जाना कि रिपीटेड जॉब्स हैं लेकिन लोकेशन अलग है तो आपको बस इतनी मेहनत करनी है थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप अगर अपने फील्ड में जॉब देखना चाहते हो मान लीजिए आप हेल्थ केयर में आपने ग्रेजुएशन की है आपने बी ग्रेजुएशन की है या फिर आपने बैंकिंग में ग्रेजुएशन की है तो आप अगर अपने मतलब की जॉब और ज्यादा देखना चाहते हो अपनी फील्ड से रिलेटेड तो इसको एक बार इन जॉब्स को एक एक बार आप देख लेना यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑपरेशन में जॉब है कॉर्पोरेट में जॉब है इस तरह से टाइटल्स आपको चेक करने हैं या फिर आप ओपन करके इसको देखना और अगर आप देखना चाहो तो देखो बैंकिंग मॉर्टगेज ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनमें यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं और सारी जॉब प्रोसेस एसोसिएट की हैं लेकिन मैंने आपको वो चीज बता दी कि अगर साधारण ग्रेजुएशन भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अकाउंट्स में बैंकिंग में क्लेम्स में ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं तो तीन हजार सात सौ इक्यावन जॉब बहुत सारी हैं आपको थोड़ा सा मेहनत ये करनी है कि सर्च करना और अपने मतलब की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो नहीं तो उन जॉब्स के लिए करो जिनमें डायरेक्टली सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है अगर आप किसी खास फील्ड के नहीं हो तो ठीक है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ही रिनाउंड कंपनी है पैकेजेस बहुत अच्छे हैं और आप डेफिनेटली यहां पर आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि अगर आपको इनसे रिवर्ट आ जाता है तो आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और आपको मजा भी आएगा और एक अच्छे लेवल पे एमएनसी में काम करने का एक्सपीरियंस भी होगा सो so, ये चीज समझ में आ गई और पॉसिबल है कि अभी कोविड चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए आपको ओके बट यहां पर अब आपको मेनली ये समझना है कि कैसे आप इन जॉब्स तक पहुंचोगे और अप्लाई करोगे ठीक है तो अब वो मैं आपको बता देता हूं आपको जेनपेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा सबसे पहले जेनपेक्ट डॉट कॉम ओके okay, zenpack.com पे आप जाते हो तो आपको नीचे की तरफ लेट मी शो यू अह यहां पर जैसे ये zenpack पे आप पहुंच गए और यहां पर नीचे की तरफ करियर का ऑप्शन है ओके okay? आप करियर पे जाओ और उस पर क्लिक करो ये करियर का ऑप्शन है इस पर आप जब क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पर आप पहुंचोगे यहां पर सॉरी uh, यहां पर पहुंचोगे आप नो दिस विल बी द पेज ये पेज होगा आपका ओके okay? ट्रांसफॉर्म योर करियर करियर यहाँ पर और यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डाल सकते हो नहीं तो डायरेक्टली जॉब टाइटल डाल सकते हो तो अगर हम इंडिया डाल देंगे तो इंडिया की जॉब्स आ जाएंगी नहीं तो आप प्रोसेस एसोसिएट डाल देना डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको सीधी की सीधी वो जॉब्स निकल जाएंगी जो कि यहाँ पर दे रखी है मी शो यू ये है देखिए मैंने प्रोसेस एसोसिएट यहां पर टाइप किया है और मेरे सामने सारी प्रोसेस एसोसिएट की जॉब्स आ गई हैं ओके ढेर सारी जॉब्स हैं Uh, तो आप इस तरीके से यहां पर जब किसी भी जॉब को ओपन करोगे जैसे मैंने ये ओपन की और यहां पर अप्लाई नाउ का बटन लिखा होगा दिखाई देगा आपको ठीक है इस पर आप क्लिक कर सकते हो सारी डिटेल पढ़ लेना और उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन वगैरह देखकर अप्लाई करना अप्लाई के बटन पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक्चुअली में एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ये देख सकते हो यहां पर तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर के बटन पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करोगे यहाँ पर तो आपके सामने जो भी डिटेल आपसे मांग रहे हैं ये वो आपको रजिस्टर करना है देख सकते हो आपका ई एड्रेस वगैरह डालकर आगे रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर पूरी करना है रिज्यूमे वगैरह अपलोड करवाया जाएगा वो भी अपलोड करना है तो फुल प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन करके यहां पर आपको अप्लाई करना है और इस तरह से आप जब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हो अगर आपको इनका रिवर्ट आता है तो आप यहां पर चांस हो जाएगा आप का पूरा यू you नो know, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपका रिक्रूटमेंट होगा आपका टेस्ट भी होगा आपका इंटरव्यू भी होगा एंड आप यहां पर जब सेलेक्ट हो जाते हो तो इस मल्टी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा और ट्रस्ट मी यहां पर बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती हैं तो आप जरूर जरूर ट्राई करें और दूसरों से शेयर जरूर कर देना बिकॉज एक जॉब किसी की लाइफ बदल सकती है सो so आपका एक शेयर बहुत काम करेगा और डोंट फोरगेट टू लाइक दिस वीडियो क्योंकि जब भी कोई नॉलेजफुल वीडियोज़ या फिर जॉब्स के वीडियोज़ होते हैं उनको लाइक जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से लोगों तक पहुंचे वो और मेरा एक और एडवाइज है आपको अगर आप इन कंपनीज में काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि आपकी लोकेशन पर अगर इनकी जॉब अवेलेबल है जैसे कि यहाँ पर कुछ शहर है जहां पर इनकी जॉब अवेलेबल रहती है नोएडा हैदराबाद जयपुर तो अगर आपकी लोकेशन पर जॉब अवेलेबल है मतलब आप उस सिटी में है तो इनके इनकी जगह पर जाकर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिस के एड्रेस आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा ये डाल के जेनपेक्ट जयपुर जैनपे जैनपैक नोएडा अगर आपके शहर में इनका कोई ऑफिस है आ, तो आपको या इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही होगी तो आपको वहां पता चल जाएगा और इससे आपको डायरेक्टली अप्लाई करने का मौका मिलेगा वो ज्यादा सूटेबल रहेगा पर जिनके पास नहीं है जिन शहरों में फैसिलिटी वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कई तरह की जॉब्स साइट पर भी ये जॉब्स रहती हैं बट मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से इसके बारे में बताया ताकि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट इन तक पहुँच सके और ये तरीका है ठीक है तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन मैं और भी इस तरह की कंपनीज़ को आपको शेयर करूंगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन विथ ऑल नोटिफिकेशन ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। ऑल द बेस्ट एवरी वन ठीक